हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। हम में से अधिकांश लोग बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर के पास जाने के बजाय सीधे मेडिकल स्टोर पर चले जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे उस बीमारी की दवाइयाँ खरीद लेते हैं। कभी कभी तो इन दवाइयों से लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई बार इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ जाते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि कई दवाइयों के पत्तों पर लाल रंग की एक पट्टी बनी होती है, लेकिन क्या आपको इस पट्टी का मतलब पता है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी लाल पट्टी के बारे में बताएंगे कि आखिर इसका मतलब क्या होता है, और दवाओं के बारे में कई और रोचक बातें बताएंगे जो शायद आपको नहीं पता होंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही में बेल आइकन को जरूर दबा दें। लाल रंग की इस पट्टी के बारे में डॉक्टरों को बेहतर पता होता है, लेकिन आम लोगों के पास इसकी कोई खास जानकारी नहीं होती। ऐसे में लोग बिना डॉक्टरों की सलाह के भी कोई दवाई मेडिकल दुकानों से खरीद लेते हैं और परेशानी का हाल निकलने के बजाय परेशानी और बढ़ ही जाती है। इसलिए दवाई खरीदते समय बहुत कुछ ध्यान रखना जरूरी है। दरअसल दवाइयों के पत्तों पर बनी लाल रंग की पट्टी का मतलब होता है कि डॉक्टर के पर्चे के बिना उस दवाई को ना तो बेचा जा सकता है और ना ही डॉक्टर की सलाह के बिना उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटीबायोटिक दवाओं का गलत तरीके से इस्तेमाल रोकने के लिए ही दवाइयों पर लाल रंग की पट्टी लगाई जाती है। लाल रंग की पट्टी के अलावा दवाइयों के पत्तों पर और भी कई काम की चीज़ें लिखी होती हैं, जिनके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ दवाइयों के पत्तों पर RX लिखा होता है, जिसका मतलब होता है कि उस दवाई को सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। दवाइयों के जिन पत्तों पर NRX लिखा होता है, उसका मतलब होता है कि उस दवाई को लेने की सलाह सिर्फ वही डॉक्टर दे सकते हैं जिन्हें नशीली दवाओं का लाइसेंस प्राप्त है। कुछ दवाइयों के पत्तों पर XRX भी लिखा होता है, और इसका मतलब होता है कि उस दवाई को सिर्फ डॉक्टर के पास से ही लिया जा सकता है। इस दवा को डॉक्टर सीधे मरीज को दे सकता है, मरीज इसे किसी मेडिकल स्टोर से नहीं खरीद सकता, भले ही उसके पास डॉक्टर द्वारा लिखी पर्ची क्यों ना हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी ये रोचक जानकारी पता चल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।